उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। आज हम चर्चा करेंगे चार धाम यात्रा को लेकर। आपको बता दें कि आज से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं आज गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुले हैं, तो 9 मई को केदारनाथ धाम के कपाट और 10 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। तो शुरू करते हैं चार माने जाने वाली उत्तराखंड की चार धाम यात्रा शुरू हो गई है, जहां यात्रा की विधिवत शुरुआत से पहले ही श्रद्धालुओं के उत्साह ने यात्रियों की संख्या के पिछले रिकॉर्ड तोड़ने की ओर इशारा कर दिया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के चेहरे पर चमक ला दी है। तो वही उत्तराखंड की इस चार धाम यात्रा का क्या है धार्मिक महत्व और कितनी चाक चौबंद है यह यात्रा, इससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। हिंदू धर्म के अनुसार खासा महत्व रखने वाली इस यात्रा को लेकर शासन प्रशासन से लेकर मंदिर समिति के लोगों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सनातन धर्म के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो मनुष्य इन चारों धामों की यात्रा कर ले, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ हर साल पहुँचे हैं। विद्वानों की माने तो चार धाम यात्रा का धार्मिक महत्व पृथ्वी निर्माण से भी पूर्व से ही माना जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। यमुनोत्री गंगोत्री तो जब भी धरती का निर्माण हुआ तब से ही ये भगवान शंकर की अवतार, जब है भगवान शंकर की जब इस धरती पे, यानी कैलाश तो भगवान शिव का ही निवास स्थान है, तब से गंगा जमुना ये सब बहने लगी। और केदारनाथ भगवान है तो ये तो महाभारत से पहले का है और इनकी भी स्थापना और ये प्रचलन है और इनकी खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज ने की हुई है। केदार बद्रीनाथ भी आदि गुरु शंकराचार्य महाराज को ही बद्रीनाथ जी की ये जो प्रतिमा भगवान की उनको मिली थी, उनको साक्षात्कार हुआ था, तब से ये बद्रीनाथ जी का भी ये पूजन एवं यात्रा जे तो तब से चली आ रही है। चारधाम यात्रा पर स्वास्थ्य को लेकर की जाने वाली तैयारियों पर नजर डालें तो विभाग ने इस बार कई अहम कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस बार चारधाम यात्रा के दौरान 54 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, 30 स्पेशलिस्ट कैडर के डॉक्टर और फार्मेस्टों की ड्यूटी लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो विभाग द्वारा 54 मेडिकल ऑफिसर, 30 फिजिशियन और ऑर्थोपेडिक सर्जन के स्पेशलिस्ट कैडर डॉक्टर और कई फार्मेस्टों की ड्यूटी लगाई गई है। में जो है ये हमारे यहाँ जो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो 54 जो हैं वो भेजे जाएंगे, 54, और 30 स्पेशलिस्ट कैडर के डॉक्टर्स भेजे जाएंगे। जो स्पेशलिस्ट हैं उसमें फिजिशियन होंगे और ऑर्थोपेडिक सर्जन होंगे। इनको बारी बारी से अंडर सीएमओ भेजा जाएगा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। और जो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको एक एक महीने के अंतराल पे वो जाएंगे और जो स्पेशलिस्ट कैडर के हैं वो 15-15 दिन के उसमें जाएंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा को सफल बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। गढ़वाल कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑल वेदर रोड से चार धाम यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी। परिवहन विभाग का विशेष हमने इंतजाम किया गया है। सबसे पहले क्योंकि पीक सीजन में हमने परिवहन निगम से बात करके बसें बढ़ाई है। पहले 4 बसें चलती थी धामों के लिए हर दिन, एक हरिद्वार से 4 बस और ऋषिकेश से 4 बस, इस बार उसको हमने 16 बसें किया है। अब ऋषिकेश से 8 बसें चलेगी सुबह 7 बजे और हरिद्वार से 8 बजे 8 बसें चलेगी। इससे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम पीक
प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरा व्यवस्था हमने ये किया है कि 50 सिटी बसें जो देहरादून की है सिटी बसें उसको भी हमने यात्रा में लगाया है, उसमें 15 बसें को रोटेशन में भी हमने शामिल किया है सो दैट वो लोग भी रोटेशन में जाएंगे। हर रोज लाखों की संख्या में आने वाले यात्रियों को देखते हुए सुरक्षा हमेशा से प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहा है, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं सबसे बड़ी समस्या रही है। शासन ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए कई तरह की पहल की है, जिसमें मोबाइल ऐप लॉन्च करना मुख्य रूप से शामिल है। 26 तारीख को 26 अप्रैल को थाना बद्रीनाथ स्टैब्लिश कर दिया है और शुरू में मिनिमम फोर्स दे दी थी, लेकिन अब 5 तारीख के लिए मैंने आदेश कर दिए, जिसमें एक प्लाटून PAC जाकर मंदिर की सुरक्षा का चार्ज ले लेगी और सारे फोर्स का और की भी मैंने पोस्टिंग कर दी। 9 सीजनल चौकियाँ हमारी 7 तारीख से एक्टिवेट हो जाएंगी, 6-7 हमारे पर्यटन बूथ हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और बद्रीनाथ मंदिर में जो आना और जाना मंदिर के दर्शन के लिए वो सेपरेट करने का हमने इस बार प्रयास किया है। और चूंकि जो दर्शन करने जाते थे वो अपने जूते चप्पल उतार के जाते थे, वापस उसी रास्ते से आने की कोशिश करते थे, तो उसके लिए हमने इस बार कोशिश की है नगर पंचायत से बात करके कि जूता स्टैंड अलग से लगवा दिया जाए ताकि जूता चप्पल वहाँ उतार के फिर वो दर्शन के लिए जाएँ और दूसरे रास्ते से वापस आए। 2013 की दैवीय आपदा के बाद चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा एक बड़ा सवाल श्रद्धालुओं के मन में रहा है। प्रशासन शासन साल दर साल नए प्रयोग करता रहा है और शायद यही वजह है कि आपदा के बाद से यात्रियों की संख्या के पिछले रिकॉर्ड टूटते रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपको बता दें, आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जहां शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो और कुछ क्या कुछ खास व्यवस्थाएं रहने वाली है इस बार इस चार धाम यात्रा को लेकर, चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता गिरीश से। जी गिरीश। देखिए कृतिका, आपको बता दें कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोलने के साथ ही उत्तराखंड में चार धाम यात्रियों का जमाव शुरू हो गया है। ठीक सबसे पहले 11:30 बजे गंगोत्री के कपाट खुल गए, आज एक का दिन है, ये पहले से ही निर्धारित दिन है। गंगोत्री जो मुहूर्त है वो एक निकाला जाता है, उसके बाद एक दूसरा पर यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन यमुनोत्री धाम में पिछली यात्रा के घाव साफ तौर पर देखे जा रहे हैं, तो जो आवाजाही का पुल था वो बह गया था पिछली यात्रा के दौरान और जो मंदिर के सामने जो प्रांगण नहीं था, जिसका खामियाजा आज यमुनोत्री को भुगतना पड़ा है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु, उम्मीद से अधिक श्रद्धालु जो पैदल मार्ग है यमुनोत्री धाम तक का पूरा पैक है और मंदिर के आसपास जो आवाजाही थी वो बंद है, तो बहुत तंग और उसमें घंटों से लोग लाइन में खड़े हैं और लाइन आगे खिसक नहीं पा रही है। पूरा पुलिस प्रशासन बेबस नजर आ रहा है और जो ये कहा दावा किया जा रहा था कि सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग मौके पर रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं और किसी तरह से चार धाम यात्रा खुलने से पहले ही वो मार्ग व्यवस्थित कर उसकी खुल कर रह गई है। पूरा जो प्रशासनिक अमला था वो सफाई और उसको उम्मीद नहीं थी कि करीब 10,000 के करीब पूरा जो रास्ता है वो पैक हो चुका है, न तो यात्री आगे बढ़ पा रहे हैं और तमाम गिरीश। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से यही दावा किया गया था कि जो यमुनोत्री मंदिर की ओर जाने वाली सड़क है उसका जो पुल है उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा 7 मई तक, प्रशासन की ओर से यही दावा। और रही बात श्रद्धालुओं की भीड़ की, तो यह तो संभावित थी कि श्रद्धालुओं की भीड़ इस बार ज्यादा होने वाली है, फिर भी प्रशासन ने अपने कार्य समय पर पूरे नहीं की कर पाए हैं। ने अपने स्तर से जो फॉरवर्डिंग होती है वो कर दी थी और जो पिछले जुग में जो आपदा हुई थी उसके बाद यदि समय पर टेंडर कर दिए जाते, हालांकि जिला प्रशासन ने कहा है कि टेंडर उनके द्वारा बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी की वजह से काम नहीं हुआ, तैनात है, काम पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसका आकलन प्रशासन को बिल्कुल नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पहले भी नहीं वहां पर और जो पूरा का पूरा पैदल मार्ग है वो पैक हो चुका है, लोग
इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। और कोई बिल्कुल गिरीश हमारे साथ चमोली से गिरीश बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। गंभीर बिष्ट आपसे जानना चाहेंगे, चारधाम यात्रा आज से शुरू हो चुकी है, प्रशासन की ओर से जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि उनकी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन ये भी देखा जा रहा था कि जो सड़क व्यवस्था वह अभी तक पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाई है, लेकिन 7 मई तक के दावे किए जा रहे थे कि पूरे हो जाएंगे, लेकिन आज शुरुआत में ही श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आगे किस तरह से प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे उस पर खरा उतर पाएगा प्रशासन? मैं कृतिका मैं ये बता दूं आपको कि जिस प्रकार से अभी जो है की गंगोत्री वाली बात हो रही थी जी। वही बात वैसे बद्रीनाथ में भी है, लेकिन बद्रीनाथ में इस वक्त जो है पहली बार हम एक चीज देख रहे हैं कि बद्रीनाथ को जाने के लिए जो है कि एक रास्ता तैयार किया गया है, और निकलने के लिए अगर मतलब दर्शन करने के बाद निकलने के लिए दूसरा रास्ता जो है कि तैयार किया गया है। ये सबसे ये पहली बार बद्रीनाथ में किया जा रहा है। और जिस प्रकार से बिल्कुल बात सही है कि यात्रियों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, इस चीज को देखते हुए है चमोली जिला जो प्रशासन है उसने अपनी कमर कस ली है। हर जगह उन्होंने जो है अगर बद्रीनाथ में भीड़ होती है तो उसे पीछे जितने भी स्टेशन है, चाहे जोशीमठ है, चाहे पीपलकोटी है, चमोली है, नंदप्रयाग है, तो उन्होंने जितने भी जो है कि स्थान है वहां पर जो है कि यात्रियों को रहने की भी व्यवस्था के लिए तैयारी कर दी है जी। और साथ ही अगर जी सर हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं भूपेंद्र भंडारी रुद्रप्रयाग से, उनसे भी जानेंगे। भूपेंद्र जी, रुद्रप्रयाग की बात की जाए, चारधाम की यात्रा शुरुआत हो चुकी है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं वहाँ? जी कृतिका, मैं आपको बता दूं क्योंकि जब शीतकाल में बाबा केदार के कपाट बंद हुए थे तो ग्रीष्मकाल में अब फिर से बाबा के कपाट खुलने की जो तिथि है वो तय हो चुकी है। 9 तारीख को सुबह 5:35 से बाबा केदार के कपाट केदार धाम में खुल जाएंगे और इसी के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। वैसे तो यात्रा को अगर हम देखें तो यात्रा शुरू हो चुकी है क्योंकि 6 तारीख को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से जो शीतकालीन गद्दी स्थल है बाबा केदारनाथ का, वहां से जो पैदल चल विग्रह सौ डोली बाबा केदार की निकलती है, उसके साथ ही तीर्थयात्री बाबा के धाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। और एक तरफ से हम कह सकते हैं कि यात्रा यहाँ पे केदारनाथ भगवान की शुरू हो चुकी है विधिवत। 9 तारीख को कपाट खुलेंगे और उसके पश्चात जो आम श्रद्धालु हैं अगले 6 माह तक बाबा के दर्शन कर पाएंगे केदारनाथ धाम में। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो इस बार काफी अधिक मात्रा में बर्फबारी हुई है। अभी भी अगर हम केदारनाथ धाम कहें या लिंचौनी कहें जो कि स्थानीय पड़ाव वहां पे होते हैं, वहां पे काफी मात्रा में बर्फ जमी हुई है, प्रशासन को भी काफी दिक्कतें आ रही है। बावजूद इसके जो पैदल रास्ता है गौरीकुंड से केदारनाथ तक का उसे बिल्कुल साफ कर दिया गया है, आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। हालांकि कुछ दिक्कतें जरूर हैं, बीच बीच में कुछ ग्लेशियर जरूर हैं, मगर प्रशासन ने पूरी जो एहतियात होती है वो पूरी बरती हुई है। जगह जगह SDRF खड़ी है, DDMA की टीमें खड़ी हुई है, पुलिस की टीमें खड़ी हुई है और तमाम वो व्यवस्थाएं कर रखी है कि तीर्थ यात्री को पैदल चलने में कहीं पे भी कोई दिक्कतें ना हो। हालांकि अधिक बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में तकरीबन 12 से 14 फीट अभी भी बर्फ वहां पे मौजूद है। तो क्योंकि जिस तरीके से बाबा केदारनाथ की जो कल चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल से चली थी और श्रद्धालुओं में जो जोश था, जो उमंग था बाबा के कपाट खुलने का, उसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं जो मौसम की दुश्वारियां हैं वो श्रद्धालुओं के जो पैर हैं उनको नहीं रोक पाएगी, श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है उसको नहीं रोक पाएगी और कपाट खुलने पर वहां पे तकरीबन काफी श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशंका है। जी हमारे साथ अशोक कुमार महानिदेशक जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस बार क्या कुछ खास इंतजाम रहेंगे क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ काफी भारी मात्रा में जुड़ने वाली है और किस तरह से आपराधिक घटना घटित ना उन श्रद्धालुओं के साथ उसके निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी हमारी व्यवस्था पूरी है। वास्तव में जो हमारा चारधाम यात्रा रूट है यहाँ पे अपराध तो न के बराबर होता है, अपराध की कोई समस्या नहीं है यहाँ। बेसिकली ट्रैफिक एक बड़ा इशू रहता है हमारे लिए और कई बारी जो है लैंडस्लाइड वगैरह हो जाते हैं तो रास्ते रुक जाते हैं,
तो फिर वो भी एक इशू रहता है कि अगर रास्ता एक दो दिन के लिए बंद हो जाए तो तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था करना जी, तो हमने अपनी ओर से जो है अपने आपदा राहत टीमें इकट्ठी खड़ी की है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीमों को सब जगह डिप्लॉय किया है और पर्यटन पुलिस भी की है जो टूरिस्ट के साथ फ्रेंडली व्यवहार करके उनको हेल्प करेगी हर मौके पर जी, तो उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है आने वाली चार धाम यात्रा के लिए जी। अशोक जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रशासन तो हमेशा से ही पूरी तरह मुस्तैद होता है किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को, लेकिन कहीं ना कहीं एक जागरूकता की कमी देखी जाती है श्रद्धालुओं में, किसी भी तरह की कोई त्रासदी होती है कोई आपदा घटती है तो कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस जरूरी है कि अगर कोई घटना घटित हो तो उससे किस तरह से अवेयर रहे खुद बचाव कर सके, इसको लेकर क्या कुछ पुलिस की तरफ से कुछ ऐसे कैंप या शिविर लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए गए हैं? वो ड्राइवर्स के लिए ऐसे कैंप लगाते हैं कुछ हम अवेयरनेस कैंप, और जो आपदा के हैं आपदा के संबंध में हम लोग करते तो हैं किंतु जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनको तो वो नहीं है, पर हम उनका सूचना देते हैं उनको SMS के बल्क SMS सर्विस हम शुरू किए हैं, जो भी यहाँ एंटर करेगा जो भी मोबाइल उस सबको डिलीवर हो जाएगा कि चार धाम रूटों की क्या हालत है, कहाँ रास्ते खुले हैं कहाँ रास्ते ब्लॉक्ड हैं, वो पूरा का पूरा हम उनको डेली सूचना देंगे तो ये उनके काम आएगी जी। अशोक जी ऐसी भीड़ में अक्सर देखा जाता है कि किसी अफवाह की वजह से लोग परेशान होते हैं, भगदड़ मच जाती है, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम है? देखिए वो तो आदमी को अपनी ओर से भी इस बात के लिए इंटेलिजेंट होना होगा कि अफवाहों से बचे, और बाकी हमारी तो व्यवस्था रहती है हरिद्वार से लेकर के बद्री केदार तक सब जगह हमने अपनी ओर से पुलिस व्यवस्था की है और हमारा पूरा प्रयास होता है कि यात्रा सकुशल संपन्न हो जी। अशोक जी जो प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे थे कि जो यात्रा में बाधा आने वाली थी पुल का निर्माण होना था उसमें कहीं ना कहीं अभी कमी देखी जा रही है, शुरुआत हो चुकी है आज से चारधाम यात्रा की, लेकिन आज से ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? देखिए एक ऑल वेदर रोड बन रही है जो आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, उससे मुझे तो लगता है उत्तराखंड काया पलट हो जाएगी उससे, तो वो उसका क्योंकि कंस्ट्रक्शन फेज में है तो कहीं कहीं उसको लेकर के दिक्कतें हैं, पर वो यात्रा तो पूरी होगी जरूर, उन दिक्कतों को पार करके भी यात्रा पूरी होगी जी। धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ भूपेंद्र भंडारी रुद्रप्रयाग से बने हुए हैं। जी भूपेंद्र जी आज से शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि अभी अशोक कुमार जी ने भी कहा कि भीड़ तो होगी, प्रशासन की तरफ से भी काफी इंतजाम किए गए हैं किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन देखा जाता है जब किसी भी तरह की आपदा घटित होती है तो उस टाइम लोगों में एक भय का माहौल व्याप्त होता है, लोग घबरा जाते हैं, उससे बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम है दिख रहे हैं इस बार? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 2013 की जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी उसके बाद से पूरा विश्व का जो हमारा श्रद्धालु था वो उसके मन में थोड़ा एक डर पैदा हो गई थी, मगर हमारी सरकारों ने हमारे प्रशासन ने हमारे जितने भी तमाम सरकारी मशीनरी है उसने अभी तक अगर हम 2019 की बात करें या पिछले वर्ष 2018 की बात करें तो काफी उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें क्योंकि पूरा 23 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, हाई एल्टीट्यूड का ट्रैक है और काफी दिक्कतें वहां पे श्रद्धालुओं को होती हैं पैदल आवाजाही में, तो वहां पे तमाम जो एहतियातन होता है सुरक्षा के तौर पे, क्योंकि केदारनाथ यात्रा सोनप्रयाग से शुरू होती है और हम चार धाम यात्रा की बात करें तो हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होती है, वहां से भी इंस्ट्रक्शन पूरे तीर्थयात्रियों को दे दिए जाते हैं और जब तीर्थयात्री सोनप्रयाग पहुंचता है और केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा के लिए आगे बढ़ता है तो वहां से ही पूरा अनाउंसमेंट सिस्टम वहां पे लगा हुआ है, चाहे मौसम को लेके हो चाहे सुरक्षा को लेके हो चाहे रहने को लेके हो खाने को लेके हो पूजा व्यवस्थाओं को लेके हो, तो तमाम चीजों को लेकर प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। पूरे 23 किलोमीटर जो हमारा पैदल ट्रैक है केदारनाथ धाम का उस पर पूरी लाइटिंग व्यवस्था है, उस पर टॉयलेट्स बने हुए हैं, उस पर तमाम जगह
इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि जो तीर्थ यात्री हैं उनको अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो अनाउंसमेंट के जरिए वो एक टाइम पे केदारनाथ से सोनप्रयाग तक एक ही शब्द को दोबारा सुन सकते हैं। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं हैं, अगर कहीं पे कोई दिक्कतें आती हैं तो प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया जाता है और तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रख दिया जाता है। तो 2013 के बाद जिस तरीके से यहाँ पे स्थितियां आई हैं उसको लेके प्रशासन काफी अलर्ट यहाँ पे है, तमाम जगह सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो देश देश के तीर्थ यात्री हैं जो कि केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं उन लोगों को कहीं पे अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसकी तो प्रशासन ने इंतजाम किए ही हुए। लेकिन जैसा कि उत्तराकाशी से ही आज पता चला है कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है पहले ही दिन से काफी देखने को मिल रही है, उम्मीद से ज्यादा भीड़ इस बार देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अब और अधिक अलर्ट मोड पर आने की जरूरत है क्योंकि संभावित भीड़ से ज्यादा भीड़ इस बार देखने को मिलेगी। जी कृतिका बिल्कुल, क्योंकि जो श्रद्धालुओं का भीड़ है, जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो लगातार इन धामों के लिए उमड़ रहा है क्योंकि 6 माह शीतकाल में यहाँ पे कपाट बंद रहते हैं तो श्रद्धालु अपने जो आराध्य देव हैं उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं और 6 माह के पश्चात अब जाके कपाट खुलने की तिथि तय हुई है तो श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ यहाँ पे आते हैं, बड़े विश्वास के साथ यहाँ पे आते हैं। इसको लेके तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे है, प्रशासन को भी इस पे अलर्ट रहना होगा क्योंकि इस समय जो चार धाम परियोजना है सड़क मार्ग का उसका भी कार्य यहाँ पे चल रहा है, बरसात के दौरान कुछ दिक्कतें यहाँ पे आ सकती हैं। अभी सड़क मार्ग काफी दिक्कतों भरा है क्योंकि अगर ऋषिकेश से कोई वाहन चलता है तो उन तीर्थयात्रियों को बिल्कुल हिचकोले खाते हुए धामों में पहुंचना पड़ेगा क्योंकि सड़क मार्गों की स्थिति अभी इतनी ज्यादा दुरुस्त है नहीं और बरसात के दौरान क्योंकि काफी बरसात यहाँ पे होती है तो लैंडस्लाइड की दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं, तो तमाम कुछ ऐसी प्राकृतिक दिक्कतें हैं जिसको लेके प्रशासन के सामने बिल्कुल कई ऐसी प्राकृतिक दिक्कतें हैं जिनका श्रद्धालु सामना करके इस चारधाम यात्रा को पूरा करेंगे। तो वहीं और हम जानेंगे, जितेंद्र ध्यानी पंडित जी हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र जी आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी 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 बहुत धन्यवाद मैम। जितेंद्र जी आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह आज से ही देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि संभावित भीड़ से ज्यादा आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज से पहुंचना शुरू हो चुके हैं, तो ये जो यात्रा है चारधाम की यात्रा इस बार कितनी सुखद और मंगलकारी रहने वाली है श्रद्धालुओं के लिए। जी जी जी, तो माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो ऋषिकेश से लेकर के और लगभग केदारनाथ बद्री विशाल तक ऑल वेदर रोड का काम बड़ा अच्छा बड़ा सुखद मार्ग अब हो चुका है और बहुत अच्छी सुविधा सरकार ने दी है, वहां पर रास्ते में किसी भी कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप ऋषिकेश से चलोगे तो आपका व्यासी देवप्रयाग, आपका रुद्रप्रयाग, श्रीनगर होते हुए यात्रा जो आगे बढ़ेगी आपका सोनप्रयाग तक गुप्तकाशी होते हुए बड़ा सुंदर सुखद और जो प्राकृतिक वहां पर जो नजारा है वो भी बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है। और इस बार की जो यात्रा होगी वो बहुत ही अच्छी और बहुत सुखद होगी क्योंकि अब पिछली बार की जो यात्राएं थी उसमें थोड़ा सा यात्री परेशान हो जाता था क्योंकि बरसात के कारण रोडों का खराब होना, टूटना, बरसात के कारण पूरी रास्ते खराब होना, इस तरह से जो स्थितियां बनी हुई थी वो कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। अब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, यात्रा बहुत सुखद रहेगी इस बार में। जी जितेंद्र जी, आप चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि जो इंतजाम लोगों के लिए किए गए श्रद्धालुओं के वो पूरे नाकाफी है या और भी कुछ सुधार करने की जरूरत है उनको? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि प्रशासन की जो व्यवस्था है लगभग काफी कुछ हद तक ठीक है और आगे भी मैं ये चाहूंगा कि वहां पर जो हमारे बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इंतजाम किए जाए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से। हमारी यह अपील है ये कि कोई भी यात्री किसी प्रकार से दुखी ना रहे वहां पर, उसको हर संभव हर प्रकार से उसको सुविधा मिले, इस प्रकार की बात है मैम। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, हम भी यही चाहेंगे कि जो श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है वो उत्साह ऐसे ही बने रहे और जो यात्रा है वो काफी लोगों की सुखद हो। तो फिलहाल इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको बता दें आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां प्रशासन भी बड़े बड़े दावे कर रहा है इस यात्रा को लेकर। और हम भी यही अपील करते हैं प्रशासन से कि लोगों की जो यात्रा हो उसको सुखद बनाने के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं उनको और अधिक बढ़ावा दिया जाए और अच्छे इंतजाम किए जाए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।